बनाने के लिए 80 में से 30 क्वेश्चंस इतना सबने बहुत आराम से बनाया है। और अगर जनरल अटेम्प्ट्स की बात करें तो नॉर्मल अटेम्प्ट्स बाकी स्टूडेंट्स के लमसम, मैंने जितने लोगों से बात किया 18-20 लोगों से मेरी बातचीत हुई लमसम, उन लोगों ने पेपर के बाद मुझे कॉल किया, मैसेज किया कि सर अच्छा गया। तो लमसम 48 से लेकर के लगभग लगभग 60 क्वेश्चन तक ये अटेम्प्ट्स थे। जितने लोगों से मेरी बात हुई मिनिमम 48 अटेम्प्ट किया था एक स्टूडेंट ने और मैक्सिमम 60 अटेम्प्ट किया था एक ने। तो लमसम ऑन एन एवरेज 50 से 60 अटेम्प्ट्स मैक्सिमम लोगों के 50 से 60 के बीच अटेम्प्ट्स थे। तो अगर आप 30 क्वेश्चन भी सही बना देते हैं तो आपका मार्क्स आराम से क्वालिफाई हो जाता है, अगर 30 भी आप सही से टिक करते हैं तो। जितने लोगों ने दिया आई होप तो कि सब क्वालिफाई करेंगे, सी सैट में इस बार कोई अटकेगा नहीं। ये है सबका पेपर अच्छा गया है एज कम्पेयर टू लास्ट प्रीवियस ईयर्स, प्रीवियस 2 ईयर्स, इस बार सबका पेपर अच्छा गया है। सी सैट ने इस बार राहत दी है सबको, क्योंकि पिछले 2 साल से काल बन के सी सैट का पेपर वो सबके सर पे छाया हुआ था। लेकिन कल का पेपर आने के बाद, पेपर वन जब GS1 का हुआ, GS1 भी काफी इजी था पेपर, इस बार जितना इन लोगों ने बताया GS1 का पेपर जो 9:30 से 11:30 के शिफ्ट में होता है ये बहुत इजी था इस बार। तो अगर इजी था तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, कट ऑफ लग रहा है कि एक लमसम 115-120 जा सकता है जितना कैंडिडेट पेपर था उसके हिसाब से ऑन एन एवरेज। और सी सैट में इस बार कोई अटकेंगे नहीं, सी सैट का पेपर लास्ट 2 ईयर्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छा आया था। इस बार काफी इजी पेपर था जो मैंने देखा अपने हिसाब से, स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत मॉडरेट लगा लेकिन मेरे हिसाब से पेपर बहुत इजी था। रीजनिंग के क्वेश्चन तो एकदम भलवा क्वेश्चन थे, रीजनिंग मैथ्स एंड इंग्लिश, रीजनिंग में से 17 क्वेश्चन आए थे। आज मैं पूरा रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, रीजनिंग का जितना क्वेश्चन कल आया है एक एक क्वेश्चन हम लोग अभी क्लास में बनाएंगे, ठीक है। रीजनिंग के 17 क्वेश्चन आए हैं, मैथ्स से 36 दिए गए हैं, इंग्लिश से 27 क्वेश्चन थे एज पर प्रीवियस पैटर्न। 27-27 करके ऑन एन एवरेज आता है 26 से 27 क्वेश्चन। इंग्लिश में वो चीज मेंटेन था लेकिन यहाँ पे थोड़ा गेम हो गया, इस बार रीजनिंग के क्वेश्चन कम करके मैथ्स में क्वेश्चन ज्यादा दिए गए। मैथ्स का क्वेश्चन भी बहुत ईजी नहीं था लेकिन बहुत टफ भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। लेकिन लास्ट 2 ईयर्स के रिस्पेक्ट में देखें तो एज कम्पेयर टू लास्ट 2 ईयर्स मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, ईजी था, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में थोड़ा लेवल थोड़ा ज्यादा ही चला गया था मैथ्स का पेपर का। तो इस बार कल वाला पेपर थोड़ा मैथ्स करने लायक था, ड्यूएबल था। और रीजनिंग तो खैर बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा गया था, रीजनिंग में बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। 17 में से 17 क्वेश्चन अगर किसी ने थोड़ा भी सिंसियरली पढ़ा होगा, ये 17 में से 17 सबने सही टिक किया होगा, इसमें गलती होने का गुंजाइश ही नहीं है रीजनिंग में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे एकदम हलवा क्वेश्चन। सीसैट की अगर हम बात करें तो रीजनिंग देखो, मैथ्स तो ठीक है, मैथ्स थोड़ा ठीक ठाक लेवल का आया था, स्टैंडर्ड था लेकिन डुएबल था, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, आराम से थोड़ा भी प्रैक्टिस जिन लोगों ने किया होगा उन लोगों से बना होगा मैथ्स, ये था। इंग्लिश का पैसेज थोड़ा सा परेशान किया है बच्चों को इस बार, क्योंकि पैसेज ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा सेम, जस्ट लाइक मैथ्स पैसेज बहुत ईजी नहीं था, बहुत टफ भी नहीं था, टाइम टेकिंग था। पहले क्या होता था, पैसेज में एक एक पैसेज में 2-3 क्वेश्चन आते थे, अभी क्या हो रहा है एक सिंगुलर क्वेश्चन में लंबा लंबा पैसेज दिया जा रहा है। मतलब जो पैसेज अगर एग्जाम्स में 3-4 क्वेश्चन के लिए एक पैसेज दिया जाता है, यूपीएससी उसी पैसेज को एक क्वेश्चन के लिए दे रहा है, लेंथ ऑफ द पैसेज सेम है, तो यहाँ पे टाइम टेकिंग लग रहा है। यहाँ पे इसको बनाने में सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो रही है, ये टाइम बहुत ज्यादा खा जा रहा है। तो जिन लोगों ने भी पैसेज दिया उन लोगों ने ही बताया कि सर टाइम कैसे निकल गया पैसेज में पता ही नहीं चला, मेन ये चीज था। तो पहली बात तो मैं सबको ये बता चुका था एग्जाम से पहले, मैंने डिस्कस कर भी दिया था कि पहली बात रीजनिंग सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन सही बन जाएगा, शुरू में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद इन दोनों में से आप देख लो कि आपका कौन सा सेक्शन अच्छा है। इंग्लिश अगर आपका शुरू से अच्छा है, अगर आपका स्पीड है, आप काफी फास्ट पढ़ते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन RC आपका फास्ट है, तो बिल्कुल आप इंग्लिश को पहले अटेम्प्ट लो। आप पहले इंग्लिश अटेम्प्ट करोगे उसके बाद मैथ्स अपना लास्ट में इजी इजी करने लायक क्वेश्चन पिक करना, अदरवाइज बहुत लोगों का इंग्लिश वीक होता है मैथ्स अच्छा होता है तो वो लोग मैथ्स बहुत आराम से कर लेते हैं, उनको रीजनिंग के बाद पहले मैथ्स करना चाहिए, फिर मैथ्स करने के बाद अपना इंग्लिश में जाएंगे। इंग्लिश में आपका टाइम ज्यादा लगेगा अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्लो है तो, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कैसे हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मैथ्स और रीजनिंग में आप समझ भी जाओगे कि आपने सही बनाया कि नहीं, इंग्लिश में आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि सही है कि नहीं है, आपको लगेगा कि आप सही टिक कर रहे हो लेकिन वहां पर अलग ही गेम हो रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश में कभी भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आप सही टिक कर रहे हैं कि नहीं, काफी सेंसिटिव पेपर होता है तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो
कल पेपर का हिसाब ये था कि 27 क्वेश्चन तो इंग्लिश से थे ही, रीजनिंग में थोड़ा कम कर दिया गया था, 17 क्वेश्चन रीजनिंग से थे और इस 17 में 17 फुल्ली बनाने वाले क्वेश्चंस थे। अभी मैं एक ही क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व कराऊंगा। मैथ्स में थोड़ा ये रीजनिंग वाला पार्ट निकाल के मैथ्स में डाल दिया गया था, तो 36 क्वेश्चन मैथ्स से थे सबसे ज्यादा। ओके, तो ये थोड़ा अनइवन क्वेश्चन था लेकिन पेपर ड्यूएबल था, पेपर ड्यूएबल था, और जिसने थोड़ा सा भी सिंसियरली पढ़ा होगा सीसैट आराम से क्वालिफाई करेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, 30 क्वेश्चन बस आपको सही टिक करने थे, और लगभग इतने लोगों ने अटेम्प्ट किए थे, ऑन एन एवरेज जितने लोगों से मेरी बात हुई 50 से 55 60 क्वेश्चन सबने अटेम्प्ट किया था तीनों मिला के। तो यही था, देखो होप फॉर द बेस्ट, सीसैट तो सबका क्वालिफाई होगा ही, और जीएस पेपर वन का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा इस बार, क्योंकि पेपर बहुत हल्का था, 115 120, मुझे लग रहा है कट ऑफ इस बार जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सीन है। ओके, इस तरह से हमारा कल पेपर हुआ था। चलो अभी हम लोग सबसे पहले कल वाले पेपर को सॉल्व करेंगे, रीजनिंग में आज सॉल्व करा दूंगा, मैथ्स का पूरा पेपर कल सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है ना, चलो आज रीजनिंग कर लेते हैं पहले। सेट ए है ये वाला। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 था, देखो सब लोग। ये वाला, दिस वन। ओके, दिस वन क्वेश्चन विजिबल है सबको क्लियरली। ठीक है, चलिए, सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इंटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। ओके, देखो ये बिल्कुल कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। क्यूब्स एंड क्यूबॉइड मैंने कराया आप लोगों को अभी तक, वो करा दिया। तो क्यूब्स क्यूबॉइड में हमने एक टॉपिक देखा था कि जब हम कट्स लगाते हैं हमें क्या दिया क्वेश्चन में, गिवन क्या है और क्या पूछा है। हर चीज में देखो दो ही चीजें, यहाँ सब लोग रीजनिंग का पेपर शुरू कर रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखना, 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं कल के पेपर में रीजनिंग से, और वो 17 के 17 आप लोग 10 मिनट में बना के अभी खत्म कर दोगे, इतने इजी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर, क्या दिया है और क्या पूछा है, दो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि क्या दिया है क्वेश्चन में और क्या पूछा है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इंटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। एक क्यूब को 64 आइडेंटिकल पीसेस में कट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कट्स कितने रिक्वायर्ड हैं? अब कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हो कि यहाँ पे मैं आपको हमेशा बोलता था कि क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स दिया होता है, ये जो नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स दिया होता है ये किसका नंबर होता है, एन क्यूब होता है ना, बोलो ये सुनो, ये जो नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स दिया होता है ये बेसिकली क्या होता है, एन क्यूब होता है, आपको पता है। सो एन क्यूब का वैल्यू हमें दिया है नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स इक्वल टू 64, तो बताओ एन की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू यहाँ पे 4। एन की वैल्यू 4, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप एक बात समझो कि जब यहाँ पे एन का वैल्यू 4 आ गया, तो अगर हमें 64 पीसेस में कट करना है तो 4 का मतलब क्या होता है कि हर साइड में, अगर ये हमारा क्यूब है तो हर साइड में हमें चार चार सेक्शन मिलेगा। एन बेसिकली होता क्या है क्वेश्चन में कि सेक्शंस होते हैं कि हम कितने सेक्शन में कट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे एन का वैल्यू 4 आया, इसका मतलब हर साइड में 4 सेक्शन हमें कट करना है, और 4 सेक्शन कट करने के लिए हमें कितने कट लगाने पड़ेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे आपको एक पीस दिया, एक मैंने चॉकलेट पीस दिया। ठीक है, मैंने बोला कि आप लोग 4 लोग हो, आप लोग 4 भाग कर लो आपस में। ठीक है, एकदम बराबर बराबर कट करना, मैंने चॉकलेट दिया आपको, चाकू दे दिया कि बराबर बराबर कट करो, आप लोग 4 लोग हो, बराबर कट करके खा लो। अब कितने कट्स लगाओगे 4 भाग में बांटने के लिए इसको, 1 2 3, 3 कट हमने जैसे ही लगाया चाकू से तो देखो 4 पीस हो गया कि नहीं, बोलो ये सुनो। अगर मैंने बोला कि यहाँ पे चॉकलेट पीस है, आप इसको 5 बराबर भागों में बांटो, 5 लोग हो, 5 बराबर भाग में बांट के खा लो। ठीक है, पांडव गए तो अपनी माता कुंती के पास, बोले कि माँ चॉकलेट लेके आए हैं, माता ने बोला बराबर बराबर बांट लो। ठीक है, तो बताओ कट लगाना शुरू किए, 5ों भाई आपस में बराबर पीस काटेंगे, कितने कट्स लगाएंगे, 4 कट ना, 4 कट लगाते 5 भाग हो गए कि नहीं, बोलो यस और नो, सही है, तो 5 भाग हो गए। अब जितने पीस में हमें डिवाइड करना है ऑब्वियसली उससे एक कम कट लगाते हैं, करेक्ट, जितने पीस में डिवाइड करना है उससे एक कम कट लगाते हैं, समझ आ रहा है सबको। तो यहाँ पे हमें अगर 4 भाग में एन का वैल्यू 4 आया, इसका मतलब कि 4 भाग में तो बांटना है, तो 4 भाग में बांटने के लिए कितने कट्स लगेंगे एक साइड, बताओ, 3 कट्स, वेरी गुड, कितने कट्स लगेंगे, 3 कट्स। देखो यहाँ पे 3 कट लगाते ही 4 भाग हो गया,
और सिमिलरली यहाँ पे इस फेस पे भी कितना कट लगाओगे? 3 कट। और इस फेस पे भी कितना कट लगाओगे? 3 कट। तीन फेस होते हैं डाइस के, तो तीनों फेस से आप 3 3 कट लगाओगे। सिंपली उतना देखना ही नहीं, एक फेस से 3 कट लगेगा। चार बराबर भागों में बांटना है तो एक फेस पे 3 कट लगेगा। तो यूनिक फेसेस कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो एक फेस पे 3 कट, तो 3 फेसेस पे 3 × 3 कितने कट्स? 9 कट्स। खत्म। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द आंसर। समझ आया? तो 64 हमें स्मॉल पीसेस का नंबर दिया था, n³ 64 दिया था, n का वैल्यू 4 हो गया। n का वैल्यू 4, इसका मतलब हर साइड से 4 सेक्शन हमें निकालना है। 4 सेक्शन निकालने के लिए कट्स कितना लगाना पड़ेगा? 3 कट एक साइड में लगाना पड़ेगा। तो तीनों साइड में कितने कट्स लगाने पड़ेंगे? 3 × 3 कितना हो गया? 9 कट्स। नंबर ऑफ कट्स कितना? 9। बोलो सब लोग क्लियर? इज दैट क्लियर? यस और नो? ठीक है, बोलो क्लियर। ऑनलाइन स्टूडेंट सब लोग क्लियर है? पहला क्वेश्चन यस और नो कमेंट कर दो जल्दी से, जितने यस सर। लोग जगे हो जल्दी से कमेंट कर सर दो। ए एन इजुकल टू 4 ওটা কি n³ इजुकल टू 64 দিলেন, n इजुकल टू 4 টা একটু বলবেন। हे भगवान, एन इक्वल टू 64, तो एन का वैल्यू 4 कैसे हो गया? आप इसको यहाँ पे एन इक्वल टू क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 64 होगा, और क्यूब रूट अच्छा, ठीक है ठीक सिक्सटी है ठीक फोर है को सर। आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, 4 × 4 × 4 ठीक ये होगा, और यहाँ से 3 का सेट बनेगा क्यूब रूट से, तो बाहर कितना आ जाएगा? 4 आ ठीक है जाएगा। जी। हाँ, ठीक है क्लियर? सर। ठीक है, बाकी सब लोग यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जल्दी से कमेंट्स कर दो यस और नो। जितने लोग एडेड हो, अवरुद्दीप, रिंकी, मुस्कान, तमन्ना, अरुणिमान, मेनी मोर स्टूडेंट्स, जल्दी से कमेंट्स करो सब लोग यस और नो। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं सबको? सबका कमेंट देखना है मुझे, जल्दी से फटाफट कमेंट करो सभी। चलो सब लोग क्लियर यहाँ तक? वेरी नाइस। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग क्लियर है आप लोगों में? कोई डाउट नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट आपका होगा क्वेश्चन नंबर ये वाला, 6 नंबर। 6 नंबर आप लोग बनाओ। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 6 नंबर। अर्थमेटिकल ऑपरेशन मैंने कराया था, कराया ना रिसेंट, उसी का क्वेश्चन है देखो, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इसको। अभी ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बनाओ सभी। थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है बहुत ईजी, लेकिन थोड़ा दिमाग लगेगा। 6 नंबर सब लोग बनाओ।
बोलते हैं। आया सर नहीं हाँ जीरो करेक्ट बहुत बढ़िया बढ़िया चेक करो सभी। ऑप्शन डी बिनीता करेक्ट बहुत बढ़िया गुड चेक करिए बाकी लोग कैसे ऑप्शन डी आएगा चेक करो। जीरो आ रहा है क्या? देखो इस क्वेश्चन में पहली बात समझो कि क्या करना है, क्या दिया है और क्या पूछा है, दो चीजें ठीक है। अब सब लोग ध्यान से देखो कि यहाँ पे इन द एक्सप्रेशन दिस हमें बताना है कि इस एक्सप्रेशन में इज चोजन फ्रॉम प्लस माइनस एंड इंटू थ्री सिम्बल्स। ओके प्लस माइनस इंटू थ्री सिम्बल्स। ओके प्लस माइनस इनटू थ्री सिंबल्स ईच एटमोस्ट टू टाइम्स। हमें देखो यहाँ पे सिंबल्स पुट करने का प्लेस कितना दिया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में तो सिंबल्स पुट करने के प्लेसेस कितने हैं हमारे पास। देखो चार है, यहाँ पे क्या क्या लिखा है, 5 4 3 2 1 ठीक है। ये लिखा है इनके बीच में हमें सिंबल्स पुट करने हैं स्टार की जगह पे, तो सिंबल्स पुट करने का जगह कितना है, चार है, लेकिन हमारे पास सिंबल्स अवेलेबल कितने हैं, तीन है, प्लस माइनस इनटू। तो ये तीन सिंबल्स इन चार प्लेसेस पे पुट करना है, तो ऑब्वियसली किसी सिंबल को हम दो बार पुट करेंगे है ना, हर एक सिंबल पुट करना है और किसी भी सिंबल को एटमोस्ट टू टाइम्स ही यूज करना है। ऑब्वियसली बात है कि तीन सिंबल है चार प्लेस है, तो किसी एक सिंबल को दो बार यूज करेंगे हम, वो तो फिक्स है। तो ऐसा करके व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, आप अलग अलग ट्रायल करके देखो। अब मेन खेल यहीं पे खेल दिया यूपीएससी ने कि अभी तक जो क्वेश्चन आते थे वो सीधा सीधा बताया होता था कि कौन सा सिंबल कहाँ पे पुट करेंगे करेक्ट। यहाँ पे वो नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है कि तीन सिंबल जैसे पुट करना है करो, प्लस माइनस इनटू आपको जहां पे जो पुट करना है करो, बस हमें वैल्यू जो मिलना चाहिए वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू। स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव का मतलब क्या, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या पॉसिबल है, तीनों यूज करना कॉमन सेंस की बात है। अगर एटमोस्ट एक सिंबल को दो बार ही यूज करोगे तो उसके अलावा बाकी दोनों तो एक एक बार यूज हो ही जाएगा। या फिर ऐसा आप क्या कह रहे हो कि सर एटलीस्ट किसी दो सिंबल को लेके दो बार यूज कर दिए, दो दो बार? नहीं वैसे नहीं करना। देखो क्वेश्चन में सेंस हमेशा एक हिडन होता है कि अगर तीन सिंबल दिया है तो वहां पे तीनों को आपको यूज करना है ठीक। या फिर अगर मान लो इसको हम छोड़ भी देते हैं इस लाइन को तो भी हमारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो हमें यहाँ पे बोला है कि जो वैल्यू मिलना चाहिए दैट शुड बी स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू मिलना चाहिए। तो कैसे पुट करेंगे कि हमें वैल्यू स्मॉलेस्ट पॉजिटिव मिले, सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू क्या पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा दैट शुड बी मिनिमम पॉजिटिव, तो होना ही होना चाहिए लेकिन मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए ठीक है। अब इसका वैल्यू वैसा लाने के लिए, इसका वैल्यू मिनिमम करने के लिए मुझे बताओ किसी भी नंबर को मिनिमम कब करते हैं, कोई भी नंबर इसमें डिविजन है क्या, कोई भी नंबर छोटा कब होता है, या तो माइनस करने पे या तो डिवाइड करने पे, दो केस में। कोई भी नंबर छोटा होगा दो केस में, या तो माइनस करो या तो डिवाइड करो, यहाँ पे डिवीजन है क्या, डिवीजन सिंबल है ही नहीं, तो मतलब हम छोटा करेंगे नंबर को माइनस करके, ये हमें समझ में आ रहा है। दैट इज द ओनली ऑप्शन फॉर गेटिंग द लीस्ट नंबर। ओके अच्छा प्लस या इंटू करने से नंबर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, प्लस या इंटू करने से नंबर इंक्रीज हो जाता है। बस इस क्वेश्चन का लॉजिक इसी में छुपा था। अब ध्यान से देखो हमें अगर मिनिमम नंबर चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो मिनिमम नंबर चाहने के लिए हमें किस सिंबल को ज्यादा टाइम यूज करना चाहिए बताओ, माइनस को, ये समझ में आ रहा है, माइनस को यूज करना चाहिए हमें, और दो बार हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं माइनस को, तो चलो दो बार माइनस को यूज करेंगे। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है कि माइनस को कहाँ पे यूज करेंगे ये भी बता दो, माइनस को यूज कहाँ पे करेंगे, जितने बड़े नंबर में सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे उतना वैल्यू छोटा होता जाएगा ना, बोलो यस और नो। और यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में बड़ा नंबर है फिर राइट में छोटा होता गया करेक्ट,
तो माइनस जितने बड़े नंबर को करेंगे उतना वैल्यू छोटा होता जाएगा कि नहीं, बोलो ये सुनो। तो माइनस सिंबल अगर मैं 2 बार शुरू में ही लगा दूं, दोनों बड़े नंबर मैंने माइनस लगा दिया, अब माइनस हम 2 बार मैक्सिमम यूज कर सकते थे, माइनस का काम खत्म, चलो ठीक है। अब माइनस खत्म हो गया, अब मुझे बताओ माइनस खत्म करने के बाद क्या बचा, प्लस और इंटू बचा, ठीक है। इंटू करने पे नंबर क्या होता है, ज्यादा बड़ा हो जाता है, इंटू करने पे नंबर ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो हमें तो इसका वैल्यू मिनिमम रखना है ना। अगर मिनिमम वैल्यू रखना है तो बताओ इंटू को हम यहाँ पे लगा दें, जितने छोटे नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे उतना वैल्यू कम रहेगा, जैसे ही इसको यहाँ पे कर दोगे ये वैल्यू 6 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो 2 ही रह रहा है, देख रहे हैं। तो हमने इंटू रखा वहां पे जहां पे नंबर छोटा था, और हमने माइनस रखा वहां पे जहां पे नंबर बड़ा था, क्योंकि हमें इसका वैल्यू मिनिमम चाहिए, करेक्ट। तो कम से कम वैल्यू रखने के लिए हमने छोटे नंबर्स को इंटू डाला और बड़े नंबर्स में माइनस किया, ठीक। और यहाँ पे प्लस यूज कर लो, चलो यहाँ पे प्लस यूज कर लो। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 सिंबल लेके क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे इंटू लगा दो, यहाँ पे इंटू लगाओगे 3 × 2 = 6 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कम रहेगा, बोलो ये सुनो। तो वैल्यू हमें लीस्ट चाहिए, तो कम वैल्यू के लिए हमने इंटू को छोड़ के प्लस ही यूज किया, ठीक, चलेगा सब लोग। तो ये सिंबल हमने पुट किया, अब इसका वैल्यू बता दो कितना आ जाएगा। आप यहाँ से जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ, अब इसके बाद लिखना उतना नहीं है, पहला स्टेप लिख लिए काम खत्म, अब एकदम मेंटली कैलकुलेट करो। बोर्ड मार्क्स अप्लाई करते हैं हम लोग, डिविजन है नहीं, तो पहले करेंगे मल्टीप्लीकेशन, 2 × 1 2 × 1 2, अच्छा यहाँ पे कितना हो गया, 5 − 4 1 हो गया, 1 − 3 − 2 हो गया, तो ये आ गया -2, और यहाँ +2, बताओ कितना हो गया, 0, काम खत्म। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो दिमाग लगाना है क्वेश्चंस में, हमें बोला गया था इसका वैल्यू चाहिए हमें मिनिमम, अब मिनिमम वैल्यू चाहने के लिए हमें माइनस को सबसे ज्यादा बार यूज करना है, क्योंकि डिवीजन यहाँ पे है नहीं नंबर को छोटा करने के लिए, तो माइनस को हमने ज्यादा टाइम यूज कर दिया 2 बार, और 2 बार कहाँ पे पुट करेंगे, जहां बड़ा नंबर है वहां पे माइनस लगा दो, वहां पे वैल्यू छोटा हो जाएगा। अच्छा अब रह गई बात प्लस और इंटू की, इंटू करने पे नंबर बड़ा हो जाता है और रैपिडली बड़ा होता है, हमें तो नंबर बड़ा नहीं करना, हमें छोटा करना है, इंटू हमने छोटे नंबर से किया, और बाकी जो सिंबल बचा है इसमें प्लस या इंटू दोनों लगा सकते थे, इंटू लगाते तो वैल्यू फिर से ज्यादा हो जाता, तो हमने यहाँ पे प्लस यूज किया, ठीक। और ऐसा करने के बाद हमारा वैल्यू कितना आ गया, 0 इज द मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी 0 इज द आंसर, तो तीनों ऑपरेटर यूज करना है प्लस माइनस। हाँ तीनों। अगर तीनों नहीं यूज करोगे, मैंने बताया तो आप माइनस और इंटू यूज कर लो ना, लेकिन वहां पे वैल्यू बड़ा हो जाएगा, वहां पे वैल्यू बड़ा हो जाएगा, चेक कर लो। हमें लीस्ट पॉजिटिव नंबर बताना है, तो हमें इंटू को हटा के प्लस ही यूज करेंगे तो लीस्ट मिलेगा, करेक्ट। कुछ चीजें हिडन होती हैं क्वेश्चन में, इसे मैंने बोला ना कि क्वेश्चन था बहुत सिंपल लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था ये था नॉन कन्वेंशनल दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। एसएससी रेलवे में कैसा पूछा जाता है, सिंबल दे देगा, सिंबल पुट करके वैल्यू बताओ, लेकिन यूपीएससी है तो यूपीएससी थोड़ा सा तो घुमाएगा, यहाँ पे आपको सोचने के लिए छोड़ दिया यूपीएससी ने, या खुद से सोचो कि मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कैसे मिलेगा, और इस तरह से मिलेगा आंसर इज 0। ये चीजें प्रैक्टिस करके आएंगी, ठीक है, बोलो यहाँ तक सब लोग क्लियर, ये सुनो कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, आंसर की में देखो क्वेश्चन नंबर लिखा होगा, आंसर की में रीजनिंग का अगला क्वेश्चन कौन सा है देखो, तो डॉट दिया होगा रीजनिंग में डॉट, 24 नंबर क्वेश्चन पे जाओ सीधे, इसके बाद सीधे 24 पे जाओ, रीजनिंग के क्वेश्चंस डॉट किए हुए आंसर कीज में देखो, 24 पे जाओ सीधे। चलो इसको मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है इसको मैं हटा रहा हूँ, 24 पे जाइए आप लोग, 24 पे क्वेश्चन नंबर 24, इसका तो सीक्वेंस ही उल्टा पुल्टा है पेपर का, देखो यहाँ पे 22 नंबर है, यहाँ से फिर 32 31 आ गया, अच्छा वो एक पेज में 24 नंबर देखो, तो सभी देखिए ये 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है चलो ये 24 नंबर क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे हम लोग अभी, ठीक है एकदम हलवा क्वेश्चन देखो यहाँ पे रीजनिंग का, बहुत अच्छा गुड, कैसे करेंगे बताओ सब लोग, डिविडेंड सीरीज कराया था मैंने, ये कराया था ना डिविडेंड सीरीज, चलो आप लोग बता सकते हो इसका आंसर। सबसे पहले मैंने बोला था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बताओ तुम,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 20 हैं क्या? और 20 होने पे हम लोग दो टाइप से ग्रुपिंग करते हैं, या तो चार का करते हैं या तो पांच का करते हैं, ठीक है। चलो बॉयज चार पे चेक करो, गर्ल्स पांच पे चेक करो, किस पे आ रहा है बताओ? बॉयज चार पे करो, गर्ल्स पांच पे चेक करो, देखो तो पांच पे आएगा। बॉयज चार पे पहले करके कंफर्म करो कुछ हो रहा है कि नहीं। बॉयज चार पे चेक करो, गर्ल्स पांच पे देखो कुछ आ रहा है क्या। देखो तो चार पे कुछ नहीं आएगा, चेक करके देख लो। चार पे कुछ आया? नहीं आया। तो पांच का करके देखो, चार पे कुछ नहीं मिलेगा तो पांच का ग्रुपिंग करिए। देखिए तीन चार पांच, यहाँ पे तीन चार पांच, यहाँ पे तीन चार पांच, यहाँ पे पांच, ठीक। पांच पांच का हमने ग्रुपिंग कर दिया क्योंकि चार पे कुछ नहीं मिला। अब देखो सीरीज अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ए बी सी डी तो गया है, कुछ अल्फाबेट डबल डबल भी लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे डबल ए लिख दें, डबल ए बी सी डी, ए डबल बी सी डी, ए बी सी नहीं, ए बी डबल सी डी और ए बी सी डबल डी, है क्या? यहाँ पे ए दो बार, यहाँ पे बी दो बार, यहाँ पे सी दो बार, यहाँ पे डी दो बार, आ रहा है क्या सीक्वेंस? तो हमने क्या पुट किया? डबल ए सी डी, डबल ए सी डी ऑप्शन, डबल ए सी डी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। देखो ऑप्शन सी इज द आंसर, दैट्स इट। बोलो क्लियर सब लोग? कोई दिक्कत कोई डाउट? चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आप देखो, क्वेश्चन नंबर 37 देखो, इसके बाद 37 नंबर देखो। कोई भी डाउट कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करना है किसी को भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, यह है क्वेश्चन नंबर 37। चलो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन, क्लॉक कराया था मैंने, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन देख के 2 सेकंड में आंसर करने वाला क्वेश्चन है ये, 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये। बताओ सब लोग आंसर करो जल्दी से, कमेंट सेक्शन में आंसर करो क्या होगा इसका। 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करो क्या होगा। सब लोग क्लॉक करा दिया ना मैंने, तब तो 2 सेकंड में आंसर कर सकते हो। ग्यारह हाँ 11 से 1 के बीच में एक बार होता है, बताया था मैंने, वहीं पे लॉजिक है। यहाँ पे मैंने क्लॉक कराया था, मीटिंग मिनट्स मैंने कराया था, टाइप नंबर 5। जितना कराऊंगा एक एक क्वेश्चन निकल के आएगा एग्जाम में। मैंने बोला ना कि आपके लेवल पे जो क्वेश्चन आएगा उससे बहुत ज्यादा मैं दूंगा आपको, और वो आपके लेवल का भी क्वेश्चन होगा और बाकी एग्जाम में भी दे पाओगे, आपके सामने प्रूफ है पूरा, ठीक है। क्या बोला था मैंने कि मीटिंग मिनट्स में क्या किया था हमने, 11 से 1 का जो स्लॉट होता है वहां पे मीटिंग कितनी बार होता है? सिर्फ वन टाइम होता है। मैंने बताया था हैंड्स 11 से 12 के बीच और 12 से 1 के बीच कभी नहीं मिलते हैं, सिर्फ एक जगह पे मिलते हैं, पक्का 12 बजे। यहाँ पे पक्का 12 बजे मीटिंग होता है, करेक्ट। ये एकमात्र स्लॉट होता है 2 घंटे का जिसमें मीटिंग सिर्फ एक बार होता है, बाकी सभी आवर्स में एक एक बार मीटिंग होगा। मतलब 10 से 11 में वन टाइम मीटिंग होगा और 1 से 2 में भी वन टाइम मीटिंग होगा। बोलो यस और नो? तो हमें पूछा है कि 10 से लेके 2 बजे के बीच कितनी बार मीटिंग होगा, तो 10 से 11 में एक बार, 11 से 1 में एक बार होगा और 1 से 2 में एक बार होगा। तो बताओ मीटिंग कितनी बार हो गया? 1 + 1 + 1 कितने बार? 3 टाइम्स। जिनको नहीं पता होगा वो 4 टाइम्स ठीक करके आए होंगे, रॉन्ग कर दिया होगा उन्होंने, ठीक है, जिन्होंने मिस किया होगा पॉइंट को। लेकिन 11 से 1 के स्लॉट में एक बार ही मीटिंग होता है, मैंने बताया भी था आप लोग को, तो वहां पे एक कम हो जाएगा। आंसर इज 3 टाइम्स, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। चलो बहुत बढ़िया, प्रीति रिंकी औरदीप सबका आंसर सही है, विनीता करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे पार्टिसिपेट करना है आपको आंसर्स में, कमेंट्स करते जाना है, आप ट्राई करेंगे तभी सीखेंगे, राइट। सब लोग यहाँ तक क्लियर? बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखो कितना नंबर है। नेक्स्ट 38 नंबर, 38 नंबर इसके ठीक बाद वाला क्वेश्चन, 38 इसके ठीक बाद वाला क्वेश्चन देखो। तो ये वाला देखो एकदम 5 सेकंड का क्वेश्चन, सरेंडर कराया था मैंने, 5 सेकंड का क्वेश्चन, एकदम जल्दी से कमेंट्स करो आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करो सब लोग, जल्दी से आंसर कमेंट करिए सब लोग। बिल्कुल देख रहे हो यूपीएससी ने अपना लेवल कितना गिरा दिया है। कराऊंगा ये नहीं था तो ठीक है। सब कराऊंगा, क्यों चाप दे रहे हो?
सब कराऊंगा कल, मैथ्स से एक ही क्वेश्चन ऐसे ही कराऊंगा आप लोग की बना हुई क्लास में। मैथ्स तो पढ़ाया नहीं मैंने, तो थोड़ा दिक्कत होगा शुरू में, बट मैं बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा। ये है तो करेंगे कल। परसेंटेज वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आया इस बार, परसेंटेज का क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का आया है, कुछ ना कुछ तो टफ इजी रहेगा मिला जुला के। रीजनिंग तो बहुत इजी पूछा गया है। लेकिन वो अभी टफ लग रहा होगा, मैथ्स पढ़ा दूंगा वो भी इजी लगने देगा फिर, ठीक है जब करवा दूंगा तब। जिन्होंने ठीक हिसाब से प्रैक्टिस नहीं किया उनको टफ लग रहा है। मैथ्स का पेपर उतना टफ भी नहीं था, थोड़ा ठीक ठाक स्टैंडर्ड लेवल था लेकिन उतना टफ नहीं था। जिन्होंने प्रैक्टिस किया उनसे क्वेश्चन बना है उसी हिसाब से, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, सब लोग ध्यान दो। द कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज द सेम फॉर, हमें बताना है सिमिलर कैलेंडर 2025 का। आपको मैंने रूल्स बताया था आपको याद होगा। चलो बहुत बढ़िया, काफी लोगों का आंसर आ गया है, बढ़िया। जॉय, श्रिंकी, तमन्ना, सिद्धार्थ, सबका आंसर करेक्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक है, विनीता, सबका आंसर करेक्ट है, चलो बढ़िया, सबका आंसर करेक्ट है जितने लोगों ने भी आंसर्स किया है। करण, मुस्कान, अरुणिमा, सबका आंसर सही है, बढ़िया। चलो तो इसका आंसर देखो हम लोग कैसे करेंगे। सिमिलर कैलेंडर का ये क्वेश्चन है, आपको पता है कि सिमिलर कैलेंडर में कैसे काम करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन ईयर को चेक करना है, अगर ये लीप ईयर होता तो सीधा सीधा हम 28 ऐड करते, हमारा गिवन ईयर लीप ईयर है नहीं, तो इसका प्रीवियस ईयर चेक करेंगे। प्रीवियस कौन सा, 2024 इज अ लीप ईयर, और प्रीवियस ईयर अगर लीप ईयर होगा तो गिवन ईयर में कितना ऐड कर देते हैं, +6 ऐड कर देते हैं, सो 2031 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। आगे सब लोग चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो कितना नंबर है, 38 के बाद। 40। अगला क्वेश्चन है आपका 38 के बाद 40 नंबर। देखो 40 नंबर, देखो सब लोग 40 नंबर, सब लोग ध्यान दो, ये रहा 40 नंबर। चलो अगेन क्लॉक का क्वेश्चन, 10 सेकंड का क्वेश्चन, बताओ क्या, कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, बनाओ सब लोग। इससे का क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है। फाइंड द एंगल बिटवीन 425, एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड एट 425, फटाफट चेक करके आंसर करो सब लोग कितना आएगा। आप सबको पता है कैसे करना है, मैंने क्लास में कराया इस टाइप का क्वेश्चन क्लॉक चैप्टर में। जल्दी से चेक करके बताइए कितना आ रहा है। बहुत बढ़िया, गुड, चेक करिए सभी कितना आएगा। कितना, बढ़िया बढ़िया, जल्दी से कमेंट्स करो सब लोग क्या आ रहा है आंसर, फटाफट एकदम, 10 सेकंड का क्वेश्चन। चलो बहुत बढ़िया, विनीता, सिद्धार्थ, अरुणिमा, मुस्कान, प्रीति, सबका आंसर करेक्ट है, बाकी लोग जल्दी से कमेंट्स करो। देखिए कैसे करेंगे, हमें एंगल बताना है और एंगल आपको पता है कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, एक में फॉर्मूला है उसका कौन सा, थीटा इक्वल्स टू द मॉड 11/2m -30h, आपको पता है। सो हमें कैलकुलेट करना है 11/2m का वैल्यू 25 -30 इंटू एच का वैल्यू 4, ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 11 250 +25 275/2 माइनस ये हो गया कितना 120 अंडर मॉड, ये 240 हो गया, 240 घटाओगे इसमें से कितना बचेगा 35/2, और 35 का हाफ कितना होता है 17.5 डिग्री, आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। खत्म, कितना सेकंड लग रहा है बनाने में, ठीक है बोलो सब लोग, क्लियर, कोई दिक्कत कोई डाउट यहाँ तक। चलो अगला क्वेश्चन, अगला कौन सा है, देखो 40 46। के बाद आपका 46 नंबर, देखो रीजनिंग का है, 46 में जाते हैं, जल्दी से लिखो इसे। नेक्स्ट 46 नंबर, चलिए 46, नंबर आप लोग देखो यहां से कहाँ गया, ये भी यहाँ नीचे देखो ये वाला, हाँ ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट 28 टर्म्स का सम बता दो, फर्स्ट 28 टर्म्स का सम,
ये सीरीज देखो, अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट 28 टर्म्स का सम पूछा गया है कि 28 टर्म्स का सम करके बताओ कितना हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें सीरीज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना, तो ये सीरीज एपी में है ना तो जीपी में है इस फॉर्मेट में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अगर हम इसका फॉर्मेट समझे सबसे पहले, तो एक तो जिनको नहीं समझ में आएगा वो लोग 28 टर्म लिखेंगे और 28 टर्म लिख के उसको ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको सीरीज का पैटर्न समझना पड़ेगा थोड़ा, कि सीरीज का पैटर्न क्या है। नंबर सीरीज करा है मैंने? नंबर सीरीज नहीं कराया? नंबर सीरीज नहीं हुआ है सम नहीं हुआ, सम बना। पगला? ये तो कराया था ना टॉपिक, एडिशन सब्ट्रैक्शन का टाइप 2 बताया था ना, उसमें उसी में से थोड़ा घुमा के पूछा गया, और क्या है तो वही क्वेश्चन। नंबर सीरीज कराया ना मैंने टॉपिक। अब देखो यहाँ पे इसमें कुछ अलग से थोड़ी करना होता है, उसी टाइप से देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है, थोड़ा समझो। नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लॉजिक घुमा दिया गया, थोड़ा सा लॉजिक घुमा दिया गया। कैसे देखो, ये वाला थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था लेकिन फिर भी इजी है, थोड़ा बस आपको सोचना है इसमें कैसे काम करेंगे। देखो ये बहुत इजी है, आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें सीरीज को, तो यहाँ पे 1 1 2 1 3 2, मतलब 1 2, उसके बाद अगला नंबर जो आएगा वो 1 के बाद लिखा है, 1 3 और बाद का नंबर 2। उसके बाद देखो यहाँ पे 1 4 3 2, मतलब 3 के बाद जो नंबर आएगा वो 4 यहाँ लिखा है और 3 2 यहाँ पे रिपीटेड, ठीक है। फिर से देखो 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 5, 1 के बाद 5 लिखा है और 4 3 2 यहाँ पे रिपीटेड, सही है। तो बताओ उसके बाद का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, 1 6 और फिर यहाँ से पूरा रिपीट करेंगे 5 4 3 2, बोलो ये सुनो करेक्ट है यहाँ पर। अब देखो यूपीएससी ने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आपको फर्स्ट 28 नंबर का सम पूछा। एक बार और करो तो 1 7 6 5 4 3 2, बोलो हो जाएगा करेक्ट है। अब देखो यहाँ से 28 टर्म हो गया कि नहीं हो गया बताओ। देखो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, एक यहाँ पे, 2 1 प्लस 2 3, यहाँ पे 3 3 6, यहाँ पे 6 प्लस 4 10, यहाँ पे 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21 21 प्लस 7 28 टर्म हो गए कि नहीं हो गए बताओ। 28 टर्म मतलब 28 नंबर हो गए कि नहीं हो गए यहाँ तक, करेक्ट। तो हमें यहीं तक का सम बोला था, 28 टर्म तक का सम निकालो, हमें यहीं तक का सम बोला था। अब देखो इस सबको ऐसे नहीं जोड़ना है, आप इसको ऐसे जोड़ो। एक और ट्रिक देखो यहाँ पे, इसका सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 प्लस 1 कितना, 3। अब देखो यहाँ पे 2 प्लस 1 तो 3 था, उसमें 3 ऐड कर दो, 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6, उसमें 6 में खाली 4 ऐड कर दो क्योंकि 4 अलग से आ गया, 6 प्लस 4 कितना, 10। चलो उसमें बाद 10 में खाली 5 ऐड कर दो, 10 प्लस 5 कितना, 15, सही है। 15 में खाली 6 ऐड कर दो, कितना हो गया सम, 21। ये मैं सम निकाल रहा हूँ ग्रुप्स का, समझ आ रहा है ना, इंडिविजुअल ग्रुप्स का मैं सम निकाल रहा हूँ। ये 21 हो गया, 21 में 7 ऐड कर दो कितना, 28। 28 आ रहा है यहाँ तक भी, तो क्वेश्चन दिया गया था कि ये इस पैटर्न पे आ रहा है, हमें इनका सम बताना है, 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 28। अब इनका सम करके आप आराम से बता सकते हो, देखो यहाँ पे 9, यहाँ पे सम करते हैं। चलो देखो यहाँ पे सभी ये हो गया 8, पहले यूडी कैलकुलेट करो, 9 और 5 9 5 14, और यहाँ पे 6 20, 20 और 4 कितना, 24 का 4 कैरी 2 हो गया, 4 और 2 6, यहाँ पे 1 7 और 1 8 कितना हो गया, 8, सम कितना, 84, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, 84, सम कितना हो गया, 84। तो ये सीक्वेंस था, फर्स्ट 28 टर्म्स हमने निकाला पैटर्न को ऑब्जर्व करके, 28 टर्म्स में इंडिविजुअल ग्रुप्स बन रहा था उनका सम निकाल लिया और फिर ऐड करके हमने आराम से बता दिया सम कितना, 84, ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया विनीता, 84 करेक्ट। यहाँ तक कोई भी डाउट किसी को? चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, इसके बाद है 56 नंबर पे जाओ, 56 नंबर क्वेश्चन जाओ उसके बाद सब लोग। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 56।
समझ में आ रहा है ना सब लोग? कर पा रहे हैं सब लोग? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे? चलो क्वेश्चन नंबर 56। फिफ्टी सिक्स और 57 दोनों डायरेक्शन का क्वेश्चन है। देखो बैक टू बैक दिया गया है। डायरेक्शन डिस्टेंस मैंने कराया था, ठीक है। अब देखो कितना है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो उसका 56 नंबर आपके सामने। देखो सब लोग, 56 इज अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस। अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट देखो पर्सन वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर। पहले अपने हाउस से चला, किधर चला हमें नहीं दिया है, अपने मन से किधर भी चला दो, ठीक है। मान लो हमने इसको नॉर्थ में चला दिया, हमने इसको चला दिया नॉर्थ में, ठीक है। थोड़ा स्पेस चाहिए होगा बनाने के लिए। किधर भी चला दो, क्या फर्क पड़ता है? ओहो ऑप्शन में है तो 1 बाय 1 चेक करोगे क्या सारे ऑप्शंस को? उतना टाइम नहीं होता हमारे पास। आप अपने मन से किधर भी चला दो, आपका आंसर एक बार में आ जाएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि वो अपने मन से किधर भी चला, आप मान लो कि नॉर्थ में चला, मुझे पता है नॉर्थ में नहीं चला होगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन स्टिल हमारा आंसर आ जाएगा, मैं ये बता रहा हूँ। हाँ ध्यान से देखो, क्योंकि मैं जो टेक्निक बताऊंगा वहां से आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा इसका स्पेस थोड़ा प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे सब लोग, मैं यहाँ पे छोटा डायग्राम बना रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखो, ठीक है। क्या दिया देखो, अ मैन वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट, 100 मीटर स्ट्रेट गया तो मान लो किधर चला हमें नहीं पता, हमने अपने मन से इसको चला दिया नॉर्थ में। ध्यान से देखो सब लोग, 100 मीटर किधर चला हमें नहीं पता, हमने अपने मन से इसको चला दिया नॉर्थ में 100। ध्यान से देखो, गोज 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर। यहाँ से लेफ्ट मुड़ करके और 100 चलेगा, करेक्ट है। चलो अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 300 मीटर। यहां से लेफ्ट टर्न करेगा किधर बताओ? नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा 300 मीटर। तो 300 मीटर ये 100 से ज्यादा ही चलेगा ना, बोलो यस और नो। और मैंने हमेशा बताया था कि डिस्टेंस को ब्रेक करके लिखोगे, अगर ये 300 में ये 100 है तो नीचे कितना बचा? 200 बता, जितना ब्रेक करके लिखेंगे उतना बेटर, ठीक है। अच्छा देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 100 मीटर। यहाँ से राइट टर्न लेके और चलेगा 100 मीटर, ये चल दिया 100 मीटर, करेक्ट। अच्छा टू रीच हिज ऑफिस, यहाँ पे ऑफिस पहुंच गया, चलो कोई बात नहीं। इन विच डायरेक्शन डज ही वॉक इनिशियली फ्रॉम हिज हाउस इफ हिज ऑफिस इज एग्जैक्टली इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर इसका ऑफिस इसके घर से नॉर्थ ईस्ट पोजिशन पे है, ये इसका घर था और ये ऑफिस है, अगर इसका ऑफिस इसके घर से नॉर्थ ईस्ट में है तो बताओ एग्जैक्टली किस दिशा में चलना शुरू किया था? तो बताओ हमने जो डायग्राम बनाया, हमारे अकॉर्डिंग, पेन छोड़ो सभी बोर्ड पे ध्यान दो, हमारे अकॉर्डिंग ये ऑफिस किधर पड़ रहा है बताओ? ऑफिस पड़ रहा है साउथ वेस्ट में, बोलो यस और नो। ऑफिस पड़ रहा है साउथ वेस्ट में, हमारे अकॉर्डिंग जो हमने मान के डायग्राम बनाया, हमारे अकॉर्डिंग घर से ऑफिस पड़ रहा है साउथ वेस्ट में, बोलो यस और नो। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑफिस को कहाँ होना चाहिए था? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में यानी इधर होना चाहिए था क्या? बोलो यस और नो। हमारा ऑफिस पड़ रहा है इधर में, लेकिन ऑफिस को होना चाहिए इधर में। हमारा ऑफिस आया फर्स्ट पोजीशन में, लेकिन ऑफिस को होना चाहिए सेकंड डायरेक्शन में। तो फर्स्ट से सेकंड ठीक करने के लिए, इस लाइन को फर्स्ट से सेकंड में ले जाने के लिए बताओ कितना डिग्री घुमाओगे? हाँ वेरी गुड, बस इसी में तो आंसर छुपा है। इस लाइन को रॉन्ग से राइट करने के लिए फर्स्ट से सेकंड ले जाने के लिए कितना डिग्री घुमाओगे? 180। तो इनिशियल लाइन जिसके बारे में पूछा था किस दिशा में चला, इसको भी सेम एंगल से घुमा दो 180 से, तो बताओ किधर को चलना शुरू किया था? बस काम खत्म, आंसर साउथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी साउथ इज द आंसर। क्या किया हमने, किस दिशा में चला हमें यही पूछा है, हमें दिया नहीं है, अपने मन से किधर भी चला दो, हमने इसको नॉर्थ में चलाया, आप किधर भी चला सकते हो। हमने नॉर्थ में 100 चलाया, फिर लेफ्ट में 100 मुड़ा, फिर लेफ्ट में 300 गया, फिर राइट में 100 गया। इसका घर से ऑफिस का डायरेक्शन आया साउथ वेस्ट, हमारा क्वेश्चन ने बोला है कि डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, तो हमारा साउथ वेस्ट आया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। तो साउथ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट में ले जाने के लिए कितना डिग्री घुमाओगे? 180। इस लाइन को ठीक करने के लिए हमने 180 घुमाया, तो इनिशियल लाइन को भी सेम एंगल से घुमा दोगे 180, जैसे ही घुमाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? साउथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट्स इट। बोलो सब लोग क्लियर?
ठीक है, यहां तक कोई डाउट कोई दिक्कत किसी को? चलो इसको जल्दी से लिखो अगला क्वेश्चन। इसके ठीक बाद वाला क्वेश्चन अगेन डायरेक्शन डिस्टेंस का है, आप लोग सभी देखो। ध्यान से देखो क्वेश्चन अगला वाला। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हर साल क्वेश्चंस अच्छे खासे आते थे मैथ्स में, इस बार दिया ही नहीं। प्रीवियस ईयर्स में परम्यूटेशन से ही भरा हुआ था, उसके वजह से पेपर टफ हो गया था। इस बार क्वेश्चन ही नहीं दिया गया, इस बार स्टूडेंट्स पर दया कर दिया यूपीएससी ने अच्छे से। पिछले 2 साल जो यूपीएससी ने क्रिटिसिज्म झेला है सीसैट पेपर को लेके, इस बार इसी के स्टूडेंट्स पर दया कर दिया कि जाओ सब अच्छे से पास करो आराम से। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन था ही नहीं इस बार। जो भी थे थोड़े परसेंटेज के कॉन्सेप्ट का थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, वो भी ईजी था। आप लोग पढ़े नहीं हो तो थोड़ा सा देख के आप लोगों को टफ लग रहा होगा, क्वेश्चन बहुत इजी था। कल डिस्कस करूंगा, कल समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, ये क्लियर सब लोग? कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, इसके ठीक बाद वाला देखो, 57 नंबर देखो इसके बाद वाला। ये रहा आपके सामने, अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड। पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्ट, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग देखो ये वाला भी। इजी है बहुत, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे, अ पर्सन वॉक्स, हाँ बहुत बढ़िया, अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड। आप 100 मीटर वेस्ट में चले, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर। यहाँ से लेफ्ट लेकर के वापस से 100 मीटर चले आप, ठीक है। चलो, ही देन टेक्स 225 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो सब लोग यहाँ पे क्या लिखा है, 225 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज। अब मेन खेल यहीं पे है, आपको ये, आपने इसको समझ लिया, क्वेश्चन खत्म। 225 टर्न करेगा क्लॉकवाइज, मैंने कराया था डायरेक्शन डिस्टेंस में इस टाइप का क्वेश्चन। 225 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करेगा, मैं 225 डिग्री को किस में ब्रेक कर सकता हूँ बताओ? 180 एक्सिस किस पे आता है? 90 पे आता है, 180 पे आता है, 270 पे आता है, एंड सो ऑन। तो 270 से कम एंगल है, 180 से ज्यादा एंगल है, तो उसको ब्रेक करोगे 180 प्लस क्या लिख सकते हैं? 45 लिख सकते हैं, बोलो यस और नो। और इस टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया भी था, याद करो वो वाला एंगल मैंने दिया था, आपको याद होगा 135 डिग्री वाला क्वेश्चन कराया था मैंने। 135 क्लॉकवाइज टर्न कर रहा था, रॉम्बस बन रहा था, कराया था ना। 135 को हमने किस में, 45 प्लस 90 में ब्रेक किया था। तो इस साइड का जब भी एंगल देगा, इसको आप 45 के टर्म्स में ब्रेक करोगे। इस एंगल को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 45। तो इस पॉइंट पर ये टर्न करेगा क्लॉकवाइज 180 प्लस 45। क्वेश्चन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोल सकता है या राइट या लेफ्ट में बोल सकता है, एक ही बात है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ क्लॉकवाइज तो हम लोग कैसे जा रहे हैं? क्लॉकवाइज का मतलब क्या? राइट वर्ड, राइट हैंड की तरफ घूम रहे हैं। अगर मैं बोलता हूँ एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूम रहे हैं? लेफ्ट हैंड की तरफ घूम रहे हैं। तो ये वर्ड यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे यूज किया क्लॉकवाइज, तो पहले 100 मीटर वेस्ट में गया, फिर यहाँ पे लेफ्ट लेके 100 मीटर गया, अब यहाँ पे 225 डिग्री यानी इतना एंगल क्लॉकवाइज टर्न करेगा। तो क्लॉकवाइज जैसे ही टर्न करेगा तो ध्यान से देखो, वो जाने वाला किधर था? इधर को जाने वाला था ना, ये उसका डायरेक्शन ऑफ गोइंग था। अब यहाँ से टर्निंग होगा उसका 225 डिग्री, मतलब 180 प्लस 45। तो यहाँ से जैसे ही 180 होगा तो बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों घुमाया? राइट वर्ड बोला यानी क्लॉकवाइज बोला है। क्लॉकवाइज आप ऐसे ही घूमोगे ना घड़ी की दिशा में, देखो घड़ी कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, करेक्ट? तो ऐसे घूमेगा ये, यहाँ से इसको टर्न कराना है 180 प्लस 45। तो 180 टर्न कराएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ऐसा, और यहाँ से फिर कितना डिग्री बता दो? यहाँ से 45 इधर ऐसा जाएगा, बोलो ये दोनों। क्या किया हमने यहाँ से? यहाँ से राइट वर्ड क्लॉकवाइज जाना है 225 यानी 180 प्लस 45। तो पहले हम टर्न किए यहाँ से कितना, 180, और प्लस यहाँ से और कितना जाएंगे, 45। तो बताओ 180 प्लस 45 जाके क्या इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा क्या इसके बाद? बोलो ये सुनो, ये यहाँ से पूरा टर्निंग हो जाएगा 225 डिग्री का, यानी 180 प्लस 45। तो बताओ किस डायरेक्शन में चल रहा है? बस खत्म आंसर, और क्या? नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ ईस्ट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ ईस्ट इज द आंसर। तो बिना पेन उठाए सॉल्व करने वाला ये क्वेश्चन था, बस डायरेक्शन पूछा था यहाँ पे, ठीक है। अब बिना पेन उठाए इसका आंसर कर सकते थे। बोलो सब लोग क्लियर, यस और नो? ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट कोई दिक्कत तो बोलिए किसी को भी। यहाँ तक कोई डाउट? चलो
आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना नंबर है इसके बाद वाला, ये 58। चलो देखते हैं 58 नंबर देखते हैं। बहुत इजी, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे रीजनिंग से, ठीक है। चलिए 58 नंबर देखो। हाँ अब यहाँ से देखो, एनालिटिकल क्वेश्चन इस बार बहुत कम आया था। अगर आप मैक्सिमम देखोगे तो एकदम सिंपल एसएससी रेलवे के लेवल का क्वेश्चन दिया था यूपीएससी ने, सिंपल सिंपल क्वेश्चन एकदम, ठीक है। अब ये एनालिटिकल है, इसको हमें देखना है, इसका आंसर करने के लिए हमें क्या करना होता है। देखो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये टॉपिक मैंने कराया नहीं है बट मैं कराऊंगा आप लोगों को। इसमें बहुत सिंपल टॉपिक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन में होता क्या है कि जितनी बात स्टेटमेंट में बोली गई है, जितनी बात हमारे स्टेटमेंट में बोली गई है, हमको सिर्फ उसके बेसिस पे चेक करना है हमारे गिवन कंक्लूजन्स को। जितना बात स्टेटमेंट में बोला गया है हमें बस उसके बेसिस पे चेक करना है गिवन कंक्लूजन्स को। स्टेटमेंट में अगर कोई बात नहीं बोला गया हमें उस पर नहीं सोचना है। स्टेटमेंट कंक्लूजन में ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट जो कंक्लूजन डेफिनेटली फॉलो होगा, 100% फॉलो होगा, उसी को करेक्ट करेंगे। चाहे कंक्लूजन में दुनिया का कितना भी अच्छा बात लिखा हो, आपको पढ़ के लगे कि वाह क्या बात लिखा हुआ है, लेकिन अगर स्टेटमेंट से उसका कोई रिलेशन नहीं है तो उसको हम रॉन्ग कर देंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए स्टेटमेंट दिया जाता है कि आप स्टेटमेंट से रिलेट करके चेक कराओ कि स्टेटमेंट में जो बात बोला गया है उसके बेसिस पे कंक्लूजन डेफिनेटली 100% फॉलो हो रहा है कि नहीं। जो फॉलो होगा उसे राइट करेंगे, अदरवाइज काम खत्म, ठीक है। चलो स्टेटमेंट क्या दिया है, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। आपको अपना कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है इस टॉपिक पे, स्टेटमेंट कंक्लूजन में जितनी बात स्टेटमेंट में बोली गई उसके बेसिस पे जो डेफिनेटली कंक्लूजन फॉलो होगा दैट विल बी द आंसर, दैट्स इट। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क ये बोला गया है, इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। चलो अच्छी बात है। कंक्लूजन फर्स्ट आप लोग बताओगे अब, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क, बोलो। आपको लॉजिक वाइज लगेगा सर ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का तो एक्सपोर्ट भी कर ही रहा होगा, खुद भी यूज कर रहा होगा, एक्सपोर्ट भी कर दे रहा होगा, लेकिन 100% डेफिनेटली फॉलो हो रहा है क्या स्टेटमेंट से? क्या एक्सपोर्ट के बारे में स्टेटमेंट में कोई बात बोली गई है क्या? बोलो यस और नो। ऐसा भी तो हो सकता है कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इन स्पाइट ऑफ दैट इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि मिल्क पूरा कंज्यूम हो जा रहा है यहाँ पे, इंडिया एक्सपोर्ट कर ही नहीं पा रहा है। बोलो पॉसिबल है कि नहीं है? तो एक्सपोर्ट के बारे में कुछ बोला गया क्या हमें? जब तक नहीं बोला गया डेफिनेटली फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे? रॉन्ग करेंगे। फर्स्ट वन रॉन्ग, ठीक है। चलो सेकेंड वन आप लोग बताओ, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट मिल्क। इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का तो इंडिया इम्पोर्ट नहीं करता होगा, बोलो राइट या रॉन्ग? क्या इम्पोर्ट के बारे में कुछ बोला है क्या स्टेटमेंट में? अगर इम्पोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो हमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। और ऐसे भी कॉमन सेंस आप सोचोगे कि अगर इंडिया, फिर से वही एग्जाम्पल मेरा, कि अगर इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का तो भी हो सकता है कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि सब मिल्क कंज्यूम हो जा रहा है और उसके बावजूद भी इम्पोर्ट करना पड़ रहा होगा। बोलो पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है। तो अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो इम्पोर्ट नहीं करेगा, ऐसा कोई डेफिनेटली हम नहीं बोल सकते। और इम्पोर्ट के बारे में कुछ बोला भी नहीं है स्टेटमेंट में, तो ये भी क्या होगा? बोलो दोनों के दोनों रॉन्ग। तो आंसर क्या करेंगे? नीदर वन नॉट टू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नीदर वन नॉट टू, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सेंसिटिव होता है क्योंकि स्टूडेंट्स इस टाइप में थोड़ा मिस्टेक कर बैठते हैं। जैसे बताऊंगा वैसे करोगे, एकदम फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। 17 क्वेश्चन रीजनिंग से थे, ठीक है। बताओ यहां तक सब लोग क्लियर? कोई दिक्कत? बट अगर जैसे ये है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो मिलता है, लेकिन ये तो कंक्लूजन खुद मतलब विड्रॉ कर सकते हैं ना कि इम्पोर्ट नहीं करेगा, जैसे कि कैसे? वही तो मैंने बोला अभी, कैसे डेफिनेटली फॉलो हो रहा है मुझे बता दो। ऐसा नहीं हो सकता कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, लेकिन उसके बावजूद इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि जितना मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है सब कंज्यूम हो जा रहा है अपने कंट्री में ही, और उसके बावजूद इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बाद भी इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, कौन सी बड़ी बात है? दैट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन, ठीक है। पॉसिबिलिटी और सेकेंड बात है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है स्टेटमेंट में, तो हम उस पर दिमाग लगाएंगे ही नहीं। मैंने क्या बोला? कंक्लूजन में चाहे कितना भी अच्छा बात लिखा हो, आप स्टेटमेंट से रिलेट करो कि स्टेटमेंट से वो डेफिनेटली फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर स्टेटमेंट से रिलेटेबल है तो सही होगा, अदरवाइज रॉन्ग कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों का दोनों ही डेफिनेटली फॉलो नहीं हो रहा है फ्रॉम द स्टेटमेंट, दैट्स रॉन्ग। टर्म
हाँ तब राइट होता, पॉसिबिलिटी में बोला जाता तब राइट होता, पॉसिबिलिटी में तो मे बी मे नॉट बी अगर यूज कर दिया फिर तो राइट होगा ही होगा, क्योंकि वहां पे दोनों एस्पेक्ट काउंट कर लेता है कि हो भी सकता है मे भी हो सकता है, तब तो वहां पे राइट होगा ही। लेकिन स्टेटमेंट कंक्लूजन में कभी भी लॉजिकली पॉसिबिलिटी या मे और मे नॉट वर्ड यूज नहीं होता है, वो यूज होता है अजम्पशन में, क्योंकि अजम्पशन अनलिमिटेड हो सकता है, मैं स्टेटमेंट अजम्पशन कराऊंगा वो अलग टॉपिक है, तो वहां पे मे और मे नॉट पॉसिबिलिटी यूज होता है तो वहां पे राइट होता है। कंक्लूजन का मतलब जो चीज हम डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हैं दैट विल बी द आंसर, तो टेक्निकली कंक्लूजन टॉपिक में कभी मे नॉट पॉसिबिलिटी ये सब नहीं यूज होगा, ठीक है, वो क्वेश्चन का नेचर होता है अपना, ठीक है, तो जो डेफिनेटली फॉलो होगा वो करेक्ट होगा, जो नहीं फॉलो होगा उसको रॉन्ग कर देंगे, खत्म, दोनों का दोनों रॉन्ग। बोलो क्लियर सब लोग, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलो नेक्स्ट वन, ये हो गया हमारा, नेक्स्ट देखो कौन सा नंबर है, 74 74 है, 58 के बाद देखो आप लोग रीजनिंग का क्वेश्चन, 74 नंबर जाओ सीधे, 74 नंबर जाओ सीधे इसके बाद, चलो सेवेंटी फोर नंबर जाइए, ये रहा 74, देखो यहाँ पर ये बढ़िया क्वेश्चन, देखो ये भी है इजी लेकिन अच्छा क्वेश्चन, तो लॉजिकली सोचने वाला क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, देखो यहाँ पर तो पेपर का लेवल कुछ ज्यादा ही हल्का था इस बार रीजनिंग का, बाकी सभी ईयर से मुझे इस बार का पेपर सबसे ज्यादा इजी लगा है रीजनिंग का, अगर मैं रीजनिंग के रिस्पेक्ट में बोलूँ तो, बाकी मैथ्स भी ठीक ठाक था, बताओ कट ऑफ ठीक रहता है क्या? कट ऑफ फिक्स, सी सैट का कट ऑफ, ये पूछने वाला क्वेश्चन है क्या, इसलिए बोलता हूँ सबसे पहले पैटर्न क्लियर करो दिमाग में, सी सैट का कट ऑफ हर साल के लिए फिक्स रहता है, 33% मार्क्स मतलब 67 मार्क्स, 66.66 मार्क्स, दैट्स इट, पेपर कैसा भी रहे इजी रहे टफ रहे डजंट मैटर, सी सैट का कट ऑफ एवरी ईयर फिक्स रहेगा 67 मार्क्स, उसको फिक्स कर दिया गया, तभी तो क्वालिफाइंग पेपर है ये, आपको उतना मार्क्स लेके क्वालिफाई करना है अपार्ट फ्रॉम द लेवल ऑफ द पेपर कैसा भी रहे, वो कट ऑफ कभी वैरी नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा हमेशा, तभी तो मैंने बोला कि 80 में से 30 क्वेश्चन बनाओ काम खत्म, सी सैट का एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, 30 क्वेश्चन बनाओगे आपके 75 मार्क्स आ गए आप सिक्योर, लेकिन वो 30 सही सही होना चाहिए, अब वो 30 बन गया उसके बाद बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट को मैंने फॉर्मूला बताया था सबने इम्प्लाई किया क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लेकर गए सभी, 30 सही बनने के बाद आपको पेपर थोड़ी बंद करके बैठ जाना है, आप देखते रहोगे उसके बाद कि कौन सा बनने लायक क्वेश्चन है, जो बनने लगे फिर वो सब बनाओगे, नेगेटिव मार्किंग फिर नहीं करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने बोला ना लगभग सबने 50 55 60 क्वेश्चन, 50 से 60 के बीच सबने अटेम्प्ट किया है, जो कि अच्छा अटेम्प्ट होता है सी सैट में देखा जाए तो, ठीक है, उतना सही हो गया फिर तो आराम से मार्क्स पार हो जाएगा, ठीक है ना, चलो इसको देख के आप लोग आंसर करो, जल्दी से आंसर करो सब लोग, क्या होना चाहिए इसका, 74 74 नंबर देखो, मेन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय फोर स्टेटमेंट्स लेबल्ड पी क्यू आर एस, चूज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द स्टेटमेंट, सब देखो कहानी में ट्विस्ट यहां पे है, ध्यान से देखो, चूज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द स्टेटमेंट्स वेयर द फर्स्ट स्टेटमेंट इंप्लाइज द सेकेंड एंड द टू स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली कंसिस्टेंट विद द मेन स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या, देखो एक मेन स्टेटमेंट हमें दिया गया, ये दिस इज द मेन स्टेटमेंट, अब मेन स्टेटमेंट के बेसिस पे बोला गया कि आप दो 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 का सेट बनाओ, आप इन चार स्टेटमेंट्स में से ना दो दो का सेट बनाओ जिससे दोनों स्टेटमेंट्स आपस में रिलेटेबल हो, दोनों लिंक हो रहे हों और ये दोनों ही स्टेटमेंट को रिलेट करें, इस स्टेटमेंट से रिलेट करके आप दो सेट बनाओ, यहाँ पे दो स्टेटमेंट यहाँ पे दो स्टेटमेंट, ये दो आपस में लिंक होना चाहिए, ये दो आपस में लिंक होना चाहिए और ये दोनों सेट स्टेटमेंट को रिलेट करना चाहिए, ठीक, ये सेट बनाने को बोला जा रहा है कि खुद से आप लोग बनाओ क्या सीक्वेंस होना चाहिए, तो देखो मेन स्टेटमेंट क्या बोला गया, मेन स्टेटमेंट इज प्रदीप बिकम्स ईदर अ डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर, प्रदीप या तो डायरेक्टर बनेगा और या प्रोड्यूसर बनेगा, ईदर और का मतलब दोनों में से कोई एक बनेगा, ठीक, चलो अब सेट क्या आना चाहिए बताओ मुझे, यहाँ पे पहला सेट अगर आप बनाओगे तो किस किस का होना चाहिए, अगर मैं लेता हूं स्टेटमेंट पी प्रदीप इज अ डायरेक्टर, मैंने स्टेटमेंट पी लिया अगर प्रदीप डायरेक्टर होगा तो क्या नहीं होगा, क्या डायरेक्टर के साथ प्रोड्यूसर भी हो सकता है क्या एक साथ, तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा पी के साथ,
तो अगर डायरेक्टर है तो प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर, क्या ये एक साथ आएगा इसके साथ कि डायरेक्टर है और नहीं भी है, क्या कोई मतलब बना इसका? तो इसके साथ में क्यू नहीं होगा, आर नहीं होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, एस होगा कि नहीं होगा? देखो मैच करके देख लो, प्रदीप इज अ डायरेक्टर, प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर, बिल्कुल सही है। अगर डायरेक्टर होगा तो प्रोड्यूसर नहीं होगा, इसका मतलब पी के साथ कौन मैच कर रहा है बोलो? एस, पी और एस एक साथ ले सकते हैं, और पी एस आपने जैसे ही एक साथ लिया, पी और एस आपने जैसे ही एक साथ लिया, तो ये दोनों ऑटोमेटिक एक साथ हो जाएगा कि नहीं? क्यू और आर एक साथ हो जाएगा कि नहीं? आप मैच करके देख लो, प्रदीप इज अ प्रोड्यूसर, देन प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर। अगर प्रोड्यूसर है तो डायरेक्टर नहीं, अगर डायरेक्टर है तो प्रोड्यूसर नहीं। तो इन दोनों का सेट एक साथ, इन दोनों का सेट एक साथ, और दोनों ही रिलेट कर रहे हैं हमारे मेन स्टेटमेंट को। तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, पी एस एंड क्यू आर दो सेट। देखो बोथ एस पी एंड आर क्यू आर है क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बोथ एस पी एंड आर क्यू, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। बोलो सब लोग क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट यहां तक किसी को? चलो बहुत अच्छा प्रीति, करेक्ट आंसर, सब लोग करेक्ट जो भी आंसर्स कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ओके, सब लोग क्लियर, कोई दिक्कत, कोई डाउट यहां तक? चलो अगला क्वेश्चन देखो कितना नंबर है, यहाँ से बैक टू बैक सब रीजनिंग का क्वेश्चन है, अप टू 79, यहाँ से बैक टू बैक सब लोग देखो, नेक्स्ट इज 79। चलिए देखते हैं, 75 नंबर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम बच्चों वाला हलवा क्वेश्चन, कैसे करेंगे बताओ? ये तो आप लोग खुद से बना सकते हो, अर्थमेटिकल ऑपरेशन कराया था ना मैंने, ये क्वेश्चन कराया था कि नहीं बताओ? क्लास में करवाया वो क्वेश्चन है एकदम, बताइए आंसर कितना आएगा, चेक करके जल्दी से कमेंट्स करो सब लोग, कितना आएगा आंसर? चलो बढ़िया, जल्दी से कमेंट्स करो, चेक करके, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, चेक करके जल्दी से कमेंट्स कीजिए सब लोग, कितना आएगा आंसर, फटाफट चेक करो। फटाफट आंसर करो सब लोग, कितना आ रहा है? चलो करंट आंसर आ चुका है डी, चलिए बहुत बढ़िया, बाकी लोग चेक करिए क्या आ रहा है, देखिए ठीक, फटाफट कमेंट्स करो सब लोग, क्या आएगा आंसर? चलो अभिदीप का आंसर आ गया, एनीवन एल्स? बाकी लोग जल्दी से कमेंट्स करिए, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, इतना समय लगना नहीं चाहिए, 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, जल्दी से चेक करके सब लोग आंसर्स करो, कमेंट्स करो। चलो करण, अवरुदीप, रिंकी, सबका आंसर आ रहा है, आप लोगों कितना आया? डी आ रहा है ना, चलो करेक्ट, देखते हैं कैसे, सॉल्व भी तो करना है, क्या करना है, इतना समय लगाओगे इसमें, बताओ कैसे करेंगे? हमारे क्या दिया है, देखो यहाँ पे सिंबल्स का मीनिंग दिया है, हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो ठीक है, हमें दिया है 10, 30, 100, 50 एंड 25, ठीक, चलो कैसे करेंगे बताओ? यहाँ पे सिंबल्स पुट करिए, आपको पता है सिंबल्स कैसे पुट करते हैं? देखो यहाँ पे प्लस था, प्लस मीन्स माइनस, ओके, यहाँ पे क्या था, माइनस था, माइनस मीन्स इनटू, चलो बढ़िया, उसके बाद इनटू मीन्स डिवीजन, चलो बढ़िया, उसके बाद डिवीजन मीन्स प्लस, चलो ठीक है, काम खत्म, अब लिखना उखना नहीं है इसके बाद, मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को, हार्डली एक स्टेप आपको लिखना पड़ सकता है, अब इसके बाद लिखना नहीं, इसको देखो और सीधे चेक करो, पहले डिवाइड करते हैं ना बोर्ड मार्क्स में, तो बताओ 100/50 कितना, 2 दे देगा, ये 2 देगा, 30 × 2 60, अच्छा 10 − 60 होगा −50, −50 + 25 कितना आंसर, −25 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, −25 करेक्ट, ठीक है, −25 इज द आंसर। बोलो सब लोग क्लियर है? सही है, सही, जितने लोगों का आंसर ऑप्शन डी आया था सबका सही है, आप लोग सब लोग क्लियर, यहां तक कोई डाउट? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जल्दी से लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट चेक करो क्या होगा, देखो तो 76 नंबर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये बेसिकली कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है,
कोडेड इनइक्वालिटी से अभी तक यूपीएससी में एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे, इवन इनइक्वालिटी से ही नहीं आए थे अभी तक, ठीक है। तो ये पहला इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है और वो भी कोडेड इनइक्वालिटी। अभी तक मैंने कराया था ना पीवाईक्यू, बस एक क्वेश्चन पूछा गया था सीसैट में इनइक्वालिटी चैप्टर से, तो इस बार कोडेड इनइक्वालिटी से पहली बार ये क्वेश्चन दिया गया है। आप इसको कैसे करेंगे देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, इसमें कैसे काम करेंगे देखो। सब लोग ध्यान दो, हमें सिंबल्स का मीनिंग दिया है। देखो सिंबल्स का मीनिंग क्या दिया है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सिंबल्स का मीनिंग क्या दिया है, पी मीन्स, यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है कि पी मीन्स। अच्छा रिलेशन तीन टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटी में, याद करिए। किसी के साथ भी अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो कितने टाइप का रिलेशन, तीन टाइप का, क्या क्या, लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू। फंडामेंटल रिलेशंस, कोई के साथ भी आप कंपेयर करोगे तो वो आदमी या तो आपसे छोटा होगा, या तो आपसे बड़ा होगा, या तो आपके जस्ट बराबर हो, ठीक है। तो पी मीन्स बोला है ग्रेटर देन, पी मीन्स बोला है ग्रेटर देन, क्यू मीन्स बोला है क्या, लेस देन। अच्छा आर मीन्स नॉट ग्रेटर देन, आर मीन्स बड़ा नहीं होगा, नॉट ग्रेटर देन मतलब क्या बोलो, नॉट ग्रेटर देन मतलब बड़ा नहीं होगा, मतलब या तो बराबर या तो छोटा, तो या तो इक्वल टू या तो लेस देन को क्या लिख सकते हैं हम, लेस देन इक्वल टू, करेक्ट। नेक्स्ट वन बताइए, एस मीन्स नॉट लेस देन, एस मीन्स नॉट लेस देन मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है। एंड और कुछ है क्या, टी मीन्स इक्वल टू, टी मीन्स चलो इक्वल टू हो गया, ये सिंबल का मीनिंग हमें दिया है, ठीक है। अब चेक करते हैं यहाँ से, देखो ध्यान से हमें एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। पहला एक्सप्रेशन क्या दिया देखो, 2x, s का मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, ये दिया पहला। एंड 3x, t का मतलब इक्वल टू 4z, ठीक है। देन हमें चेक करना है 9y p 8z, कौन सा सही है कौन सा गलत, हमें ये चेक करना है। अगर ये दोनों दिया है तो हमें चेक करने को बोला है कि आप चेक करो ये वाला होगा कि नहीं। और एक्सप्रेशन क्या दिया देखो, एक्सप्रेशन दिया है 9y, 9y p का मतलब क्या, ग्रेटर देन 8z, हमें ये होगा कि नहीं चेक करना है इन दोनों के बेसिस पे, ठीक। ये होगा कि नहीं चेक करना है इन दोनों के बेसिस पे, कैसे आंसर करेंगे देखो। सब लोग ध्यान दो, यहाँ पे आप आंसर कैसे करोगे कि यहाँ पे सी, अभी हमें, चलो अभी हमें क्या दिया देखो, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, 3x इक्वल टू 4z, यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, x का वैल्यू 4z बाई 3 हो जाएगा, बोलो यस और नो, यहाँ से हम x निकाल सकते हैं कि नहीं, 4z बाई 3, इस x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू x का वैल्यू है 4z बाई 3 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से, 2x, x का वैल्यू कितना है 4z बाई 3 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, क्या किया हमने, यहाँ से x का वैल्यू निकाल दिया, निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमने पुट किया यहाँ पे वैल्यू, तो ये ऐसा बन गया। इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, 8z बाई 3 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3y, 3y सो दैट इज 8z ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 का कितना 9y होगा कि नहीं होगा, तो 8z ग्रेटर देन इक्वल टू 9y, यहाँ पे 8z 9y से बड़ा है या इसके बराबर है, यहाँ पे बोला है 9y इससे बड़ा है मतलब 8z छोटा है, क्या ये सही है इसके अकॉर्डिंग, ये दोनों जस्ट एंटी हैं, अपोजिट हैं, तो क्या इसके अकॉर्डिंग ये सही हो रहा है क्या, नहीं इसका जस्ट ऑपोजिट आ रहा है यहाँ पे, बोलो यस और नो, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला डेफिनेटली रॉन्ग है, तो फर्स्ट वन तो डेफिनेटली रॉन्ग, फर्स्ट वन डेफिनेटली रॉन्ग, बोलो यस और नो, सब लोग क्लियर, ठीक है। सेकेंड वन, सेकेंड वन भी आप सेम तरीके से चेक कर लेना, सेकेंड वन भी यहाँ पे रॉन्ग आ जाएगा और दोनों का दोनों रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, नीदर नॉट, यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, नीदर नॉट, ये कहाँ गया, हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, नीदर नॉट, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीदर नॉट, ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर, दैट इज नीदर नॉट, ठीक है। तो इसका आंसर नीदर नॉट हो गया 76 का। अब देखो नेक्स्ट 77, नेक्स्ट देखो 77 नंबर, देखो यहाँ पे ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, कोडेड डिकोडिंग का, कोडिंग डिकोडिंग का बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, ये आप लोग बना सकते हो 77, सब लोग जल्दी से कमेंट्स करो, जल्दी से सॉल्व करके 77 कमेंट्स करो, क्या आएगा फटाफट,
इन अ सर्टेन कोड एबीसीडी को हमने क्या लिखा? देखो, हमने एबीसीडी को क्या लिखा? एबीसीडी को 24 लिखा, ठीक है? देखिए सब लोग, एबीसीडी को हमने लिखा 24। मैं रेड ले लेता हूँ, रेड सही लेगा। एबीसीडी को हमने लिखा है 24, ओके। ई एफ जी एच को हमने लिखा है कितना? हमने लिखा 1680, ओके। देन आई जे के एल को क्या लिखेंगे? ये बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ सब लोग कैसे करेंगे? पोजीशन पोजीशन को मल्टीप्लाई करते हैं। को मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? चलो 1 2 3 4, ये है 5 6 7 8, क्या करेंगे बोलो? सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 2 9 24 आ रहा है क्या? चलो यहाँ पे 6 5 30 और 8 7 56, 56 × 30 करोगे, आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, तो ठीक है, प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट, हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट कर दोगे, ये सीधे सीधे इसका लॉजिक आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 10 11 और 12 इसे मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा बताओ? 12 × 11 ये 120, और 12 132, और × 9 132 × 9 132 × 10 इतना हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करो, कैरी 1 27 128, 2 9 9 11 इतना आएगा क्या? 11880। देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, सेकंड मेथड मल्टीप्लाई करने का, आप 11 को छोड़ के बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120 × 9, 120 × 9 कितना, 12 9 108, 1080 आएगा, तो 1080 × 11 हो गया कि नहीं बोलो? ठीक है, और 11 का मल्टीप्लीकेशन टेक्निक मैंने बताया था आपको कैसे दिए थे, 11 का मल्टीप्लीकेशन टेक्निक देखो, पहले इस नंबर को जिसको 11 से गुना करना है, सबसे राइट साइड का जो डिजिट है इसको पहले आप लिख दो सेम टू सेम। अब इन दोनों का सम करो, 0 + 8 8 हो गया, अगेन 0 + 8 8 हो गया, और यहाँ पे 1 + 0 1 हो गया, और लास्ट में कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? 0 + 8 यहाँ पे सबसे राइट साइड के नंबर को 0 लिख दो, 0 + 8 8 हो गया, 0 + 8 8 हो गया, 1 + 0 यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे 1 को जो लास्ट का डिजिट है उसको अगेन रिपीट कर दो, तो ये 11880 डायरेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या किया, राइट साइड के नंबर को यहाँ पे लिख दो, देखो जैसे देखो 1 3 2 × 11, देखो यहाँ पे सब लोग कैसे करेंगे बताओ? पहले 2 को लिख दो यहाँ पे, 3 + 2 3 + 2 5 होता है, 1 + 3 4 होता है, और लास्ट में 1 को 1 लिख दो, खत्म आंसर। ठीक है, तो हमने वही काम किया यहाँ पे, आंसर इज 11880, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो 11 का मल्टीप्लीकेशन टेक्निक आप लोग ऐसे कर सकते हो, मैं बताऊंगा, मैथ्स जब शुरू करेंगे ना उसके ठीक पहले कैलकुलेशन टेस्ट मैं पूरा कराऊंगा आप लोगों को क्लास में, ठीक है? चलो यहाँ पे सब लोग क्लियर बोलो, कोई दिक्कत कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर देखो, नेक्स्ट इज 78, 78 आप लोग बनाओ, 78 चेक करके बताओ क्या आएगा। सेवेंटी एट नंबर चेक करो क्या आएगा, देखो 78 का ऑप्शन डी आ रहा है क्या? चलो देखते हैं, 78 नंबर देखिए, ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का ही, कोडिंग का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78 नंबर देखिए कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन, क्या करेंगे आप लोग बताइए? उल्टा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पॉट को हमने क्या लिखा, पॉट को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, ATOP, ट्रैप को हम लोग क्या लिख रहे हैं, APART, तो हम लोग एरिना को क्या लिखेंगे? ठीक है, चलो सब लोग ध्यान दो यहाँ पे, आप लोग बहुत आराम से बता सकते हैं कैसे होगा लॉजिक। यहाँ पे पॉट को हमने उल्टा लिख दिया क्या, टॉप, यहाँ पे TRAP को हमने उल्टा लिख दिया, PART, तो यहाँ पे शुरू में खाली अपने मन से क्या आ गया सब में,
ए अलग से आ गया, तो पहले तो एरिना को उल्टा करके लिखो, तो क्या लिखेंगे, ए एन ई आर ए, और आगे क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, दैट्स इट। तो दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर एन ई आर ए, एन ई आर ए को ऑप्शन नंबर डी आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट्स इट। तो बच्चों वाला क्वेश्चन था एकदम, इस बार यूपीएससी ने रीजनिंग में आप लोग पे आसान कर दिया, एक तरह से ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, है ना। बोलो सब लोग क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, चलो नेक्स्ट वन, 79 नंबर, चलिए 79 नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके रीजनिंग का, इसके बाद ये आपका 80 नंबर आपके मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, 79 नंबर देखेंगे हम लोग। चलो 79 आप लोग आंसर करो जल्दी से, ये बढ़िया क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, 79 नंबर आप लोग आंसर कीजिए, क्या होगा जल्दी से कमेंट्स में आंसर करो, इसका आंसर क्या होगा, स्टार के प्लेस पे क्या होगा ये बताना है, चेक करो सभी, अच्छा क्वेश्चन है ये, जल्दी से आंसर करो सभी। देखो यहाँ पे हम थ्री को कैसे लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ पे थ्री को 1³ + 1² + 1 लिख सकते हो क्या, 1³ + 1² + 1 आएगा ना। चलो 14 को बताओ, 2³ + 2² + 2, देखो आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे बोलो, 3³ + 3² + 3, देखो आ रहा है, चेक करो आ रहा है कि नहीं, चेक करो आ रहा है, ठीक है। तो बताओ इसको, अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं, इतना मिल गया तो सीक्वेंस काफी है, अब चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे क्या होना पड़ेगा बताओ, ये 4 वाला जाएगा, ये 5 वाला जाएगा, 5³ + 5² + 125 + 25 150 और 5 155, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्वाहा। ठीक है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया इस टाइप से, यूपीएससी ने इस बार आप लोगों पे एहसान किया बेसिकली रीजनिंग देकर के ऐसा। ठीक है, अभी तक का मैंने जितना पेपर देखा है, मुझे सबसे इजी रीजनिंग का पेपर 2024 का लगा है, इस ईयर का, ठीक है, 80 वाला मैथ्स से। हाँ वो मैं कल कराऊंगा पूरा मैथ्स वाला, मैं कल कंप्लीट कराऊंगा सॉल्यूशंस, कल एक एक क्वेश्चन मैथ्स से पूरा, रीजनिंग से 17 क्वेश्चंस थे पूरा हमने डिस्कस किया, मैथ्स से 36 क्वेश्चंस आए हैं, 36 क्वेश्चन मैथ्स से आए हैं, कल पूरा एक एक क्वेश्चन में पूरा डिस्कस करेंगे मैथ्स का। ठीक है, कल थोड़ा आप लोग देख करके आना, मैं से मैथ्स के लिए एक दिन टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने मैथ्स पढ़ाया नहीं अभी आप लोग को, तो आप लोग थोड़ा कल खुद से देख के आना एक बार, तब आप लोग पकड़ पाओगे आराम से, जब मैं सोल्यूशन दूंगा, तो जितना होगा आप लोग एक बार देख के आना पेपर को, ऊपर ऊपर से ओवरव्यू करके आना बस, कल मैं मैथ्स का ये 36 क्वेश्चन कम्प्लीट सोल्यूशन दूंगा आप लोगों को क्लास में। ठीक है, क्लियर, मैथ्स थोड़ा सा स्टैंडर्ड आया है, उसको हम लोग कल करेंगे आराम से, रीजनिंग बाकी 17 में 17 भी अगर किसी ने सही बनाए होंगे, तो 17 क्वेश्चन सही बनाने पे एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, बोलो कितना मार्क्स सिक्योर हुआ, कितना मार्क्स सिक्योर हुआ, 2.5 × 17 का 34 कर दो डबल, और 17 का हाफ कितना, 17 का हाफ 8.5, 8.5, तो 34 + 8.5 कितना हो गया, 42.5, कितना गया, 42.5 आया कि नहीं आया बताओ। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन तो यहीं से सिक्योर हो जा रहा है, और पास करने के लिए बस आपको 13 क्वेश्चन बाकी दो सब्जेक्ट से आपको बना देना है, रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल लाने वाला पेपर था ये, एकदम फुल आउट ऑफ फुल लाने वाला पेपर, आपके सामने एक 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 क्वेश्चन किया मैंने, तो यहाँ से 17 हो गया, बस आपको पास करने के लिए 13 क्वेश्चन और इंग्लिश और मैथ्स से मिला के बना देना है, तो बस पास हो गए वहां पे आराम से, तो ये करना था, सीसेट इस बार बहुत आराम से क्वालिफाई किए हैं सब लोग, बहुत आराम से क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, बाकी GS 1 का भी पेपर बहुत इजी था इस बार, बेसिकली यूपीएससी ने पूरा दिल खोल के दया किया कैंडिडेट्स पे, लास्ट 2 ईयर जितना क्रिटिसिज्म झेला यूपीएससी ने पेपर टफ देने को लेकर के, स्पेशली सीसैट की वजह से, तो इस बार दिल खोल के आप लोगों के लिए यूपीएससी ने पेपर बनाया, किया नेक्स्ट ईयर दोगे तो फाड़ के रख देगी यूपीएससी, तो बता दे रहा हूँ नेक्स्ट ईयर मान लो पेपर टफ होगा, इस बार यूपीएससी ने इतना दया दिखा दिया, नेक्स्ट ईयर का पेपर टफ होने वाला है इतना मान के चलो, तो आप लोगों को प्रैक्टिस उसी हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, बट प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका पिछले 6-7 साल का पेपर सबसे पहले बनाओ, 2017 से लेकर के इधर तक का जितना पेपर है कंप्लीट PYQ पहले खत्म करो, PYQ
इतना तो सबका पहले खत्म होना चाहिए, और वो खत्म मैंने सब पेपर दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप पे। 21 तक का मैं क्लास में करवा रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन है उसके साथ में। 22 23 वाला मैंने पेपर अपलोड कर दिया। तो पहला चीज जो मैं चैप्टर खत्म करूँ, पहला चीज घर पे जाके 21 तक का तो मैं क्लास में सॉल्व करवा दे रहा हूँ। 2022 और 23 का वो आपका होमवर्क रहेगा, वो आपको घर पे जाके बनाना है, और जो नहीं बनेगा आके मेरे से पूछोगे। ठीक है, मैं तो जिस लेवल का कराऊंगा उसके बाद सब क्वेश्चन बन जाएगा, मोर देन 90%। तो ये इस साल का पेपर मान के चलो इजी आया है, अगले साल का टफ होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से यूपीएससी ने मैथ्स में क्वेश्चन नहीं दिया, जबकि उसका सिग्नेचर टॉपिक था परमुटेशन कॉम्बिनेशन। हर साल वही दे करके पेपर को टफ करता था, इस साल क्वेश्चन था ही नहीं उसमें से, परसेंटेज का हल्का हल्का क्वेश्चन था इस बार। 49, 50, 50, 50. अगले साल यूपीएससी देगा, पेपर अच्छा खासा देगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा उस हिसाब से, इतना मान के चलो। ठीक है, इस बार जो लोग दिए हैं बहुत आराम से क्वालिफाई करेंगे सभी। बाकी तो बस जीएस पेपर का गेम है। GS1 भी बहुत इजी था, जितना लोगों ने बताया GS1 देकर सबका मूड पूरा खुश हो गया था पूरा, ये बहुत अच्छा गया, पेपर इजी था। फिर सी सैट को लेकर सब टेंशन ले रहे थे ब्रेक में, जब सी सैट कैसा आएगा, सी सैट लास्ट 2 ईयर्स की तरह आएगा कि कैसा आएगा। सी सैट का पेपर देख के भी सबका दिल खुश हो गया। ठीक है, तो इस बार दिक्कत नहीं होगी। GS पेपर 1 का कट ऑफ भी अच्छा खासा जाएगा, 115 120 जाने का चांस है इस बार, देखो बाकी कैसा होता है। तो ये हमारा यहाँ पर डिस्कशन हुआ। ठीक है, सब लोग क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट नहीं? चलो कल मैं मैथ्स वाला डिस्कशन कर दूंगा।